हाँ जी बेटा, सो हमने लास्ट क्लास में बेटा जब अपना टॉपिक पढ़ा था प्लेसेंटा फॉर्मेशन, हमने अपना बेटा चैप्टर शुरू कर रखा था। चैप्टर का नाम था बेटा जी यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और अब हमें अपना लास्ट टॉपिक जो शुरू करना है वो शुरू करना है कि उसके बाद में जब प्लेसेंटा बन जाता है तो बॉडी में कैसे कैसे चेंज होंगे यहाँ पे, और प्लेसेंटा के टाइप कैसे कैसे होते हैं, प्लेसेंटा के फंक्शन क्या क्या होते हैं, या ह्यूमन प्लेसेंटा किस टाइप का होता है, ये सब बातें हमें यहाँ पे कवर करनी है। सबसे पहले बातें करते हैं यहाँ पे प्लेसेंटा को लेके, यहाँ पे प्लेसेंटा को लेके अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई को उसको छोटा सा रिवाइज करते हैं। सुनिएगा जरा बात को, आपने कहा सर सबसे पहले हमने बातें की थी जाइगोट बन गया ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन, क्या बन गया बेटा जी यहाँ पे जाइगोट बन गया ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन। सही बात है बेटा जी। अब आप कहते हो सर कि जायगोट में हुआ था क्लीवेज का प्रोसेस, असली गुड़ी आपने कहा सर यहाँ पे प्रोसेस का नाम क्या था क्लीवेज, और उस दौरान जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ उसका क्या नाम था यहाँ पे मोरुला। ठीक बात है, हम यहाँ पे सब एक पर और बोल देते हैं मोटलिट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोरुला इज नोन एज मोरुलेशन। किस दौरान बना था बेटा जी दूरी था क्लीवेज, आपने कहा सर इसके बाद हमने पढ़ा था बना था बेटा जी यहाँ पे ब्लास्टोसिस। एक्चुअली ब्लास्टोसिस इज ए टाइप ऑफ ब्लास्टुला, इट इज टाइप ऑफ ब्लास्टुला। तो हमने कहा सर इसका मतलब यहाँ पे हम अगर प्रोसेस का नाम रखना चाहे तो रख देते हैं ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। और हमारे पास जो टाइप ऑफ ब्लास्टुला वो क्या है बेटा जब ब्लास्टोसिस्ट, आप कहोगे सर ब्लास्टोसिस्ट क्यों नाम रखा ब्लास्टुला का, तो हमने आपको बताया था उसके अंदर एक कैविटी होती है बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग है और अंदर एक इनर सेल मास होता है, इट्स लाइक ए सिस्ट की बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हमने उसका ऐसा नाम रखा बेटा के अंदर एक होलो कैविटी है। तो हमने कहा ऐसा बना था हमारे केस। ठीक बात है बेटा जी, आप अब कहते हो सर इसके बाद अगला प्रोसेस जो हमने देखा था वो पढ़ा था बेटा जी हमने यहाँ पे गैस्टुला फॉर्मेशन, क्या देखा था हमने यहाँ पे गैस्टुला फॉर्मेशन। और वहां पे अगर मैं चाहूँ तो प्रोसेस का नाम रख सकता हूँ यहाँ पे सुगम बेटा आपका यहाँ पे गैस्टुलेशन। प्रोसेस का क्या नाम बेटा जी यहाँ पे गैस्टुलेशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्टुला। आपने कहा सर गैस्टुला के अंदर तीन जन लेयर्स है, एक का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे एक्टो, एक का नाम क्या है बेटा यहाँ पे मीजो, और एक का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे एंडो। तीन प्रकार के यहाँ पे जल दे रहा, आपने कहा था ह्यूमन बीच जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनके पास तीन जल लेयर्स होती है। ये सब बातें हमने की थी बेटा जी, आपने कहा था सर जो भी हमारे टिश्यू होते हैं वो सारे टिश्यू किससे डेवलप होते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे इन्हीं तीन जल लेयर से। आपने यहाँ पे शुभम बेटा कुछ एग्जाम्पल दिया था, आपने कुछ एग्जाम्पल दिया था हमने यहाँ पे इस मीजो ड्रम से दो टिश्यू बन के तैयार होते हैं, एक का नाम क्या था बेटा जी जो भी आपकी बॉडी में मसल्स हैं वो सब किससे डेवलप होते हैं बेटा जी मेजोड्रम से। आपने कहा था सर जो भी हमारा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है वो भी किससे डेवलप होता है बेटा जी हमारे यहाँ पे मेजोड्रम से डेवलप होता है। बातें हुई थी आपने कहा था सर जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होता है किससे बेटा जी यहाँ पे फ्रॉम दी एक्टोड्रम। और एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो इन तीनों जन लेयर से बनता है, मतलब आपको दिखाई देगा अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो रीजन है वो बने होते हैं किससे बेटा जी आपके यहाँ पे एक्टोमीजर एंडोसोकम कहेंगे, एपिथेलियम तीनों से बना हुआ होता है। यहां तक की बात हमने खत्म की थी, हमने लास्ट क्लास में आपसे बातें की थी कि गैस्ट्रुला का सर जो फाइनल स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ उसमें हमने कुछ आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की बात की थी, हमने कहा था गैस्ट्रुला के अंदर बेटा जी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर भी बन के तैयार होते हैं। जब हम यहाँ पे हार्ड एक वर्ड लिख रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इसका क्या मतलब है एम्ब्रियो के बाहर कुछ क्या बन रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर का अलग अलग क्या होगा बेटा जी यहाँ पे फंक्शन होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो बनने का काम तो वहां पे तीन जन लेयर करवाएंगी, जो भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनेंगे जो भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन बनेंगे ये सब बनवाने का काम तो कौन करेगी बेटा यहाँ पे जन लेयर करेगी। बट अब एम्ब्रियो के बाहर कुछ और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, उनको बनाने के लिए बाहर क्या बने मेरी गुड़िया यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बने। आप कहोगे सर एग्जांपल के तौर पे हमने क्या बातें की थी, तो हमने कहा था सबसे पहली बात बेटा जी यहाँ पे
कोरियोन, क्या बात देखे थे हमने आपको कोरियोन, कोरियोन वर्ड आप लोगों ने कहा था सर सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है, तो हमने कहा था प्रोटेक्शन। जरा वर्ड को समझ के देखते हैं, आप लोग अगर अंडा खाते हैं तो आज घर जाके ट्राई करना, या कल मैं आपको दिखाता हूं क्लास के अंदर, जैसे आप अंडे को बॉइल करोगे, क्या करोगे अंडे को बॉइल करोगे, अंडे के ऊपर से टफ हार्ड कवरिंग उतर जाती है, उसकी टफ सेल होती है उतर जाएगी, उसके बाद में ट्रांसपेरेंट से पतला सा और लेयर होती है उसके ऊपर, अंदर फिर आपको व्हाइट पार्ट आएगा, फिर येलो पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, बट उसके ऊपर एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी पतली सी एक लेयर और होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है, वो लेयर किसके लिए है बेटा जी यहाँ पे कोरियोन के लिए, मतलब हम आपको दिखा सकते हैं कोरियोन की लेयर कैसी होती है अंडे के अंदर, अब उसमें कोरियोन दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर होता है बेटा। हमारे केस में जो प्लेसेंटा बनता है, जो विल-लाइक फॉर्मेशन हुई है, उन सबको करने का काम किसने किया बेटा जी यहाँ पे कोरियोन ने किया, तो हमारे केस में उसके कैरेक्टर फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन के अलावा वो क्या करती है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। तो कोई पूछे कि सर कोरियोन के क्या क्या फंक्शन था, तो उसका काम क्या था, पहला यहाँ पे प्रोटेक्शन करना, आप कह सकते हो वुमन के केस में यही क्या बनाती है बेटा जी यहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन, जो भी प्लेसेंटा होता है वो भी बीज बच्चा किससे बना होता है यहाँ पे कोरियोन से बना होता है, ये बात सबको समझ में आती है बेटा जी। आपने कहा सर दूसरी जर्नल हमने जो दूसरा जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसका नाम था बेटा जी यहाँ पे योक सैक, क्या नाम था बेटा जी यहाँ पे योक सैक, योक सैक क्या है, आपने कहा था सर जब प्लेसेंटा बनेगा वहां पे एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल अगर होने वाला है तो जो भी एक्सचेंज होगा तो वहां पे हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी, और हमारे केस में जो हेमेटोपोएटिक टिश्यू होता है वो या तो बोन मैरो होती है या फिर किडनी होती है या फिर लीवर होता है, बट एक बच्चे में अभी तक ऑर्गन ही नहीं बने हैं, उसमें अभी तक तीन जबले नहीं है बेटा, और अगर अभी तक उसमें ऑर्गन नहीं बने मतलब ब्लड बनने वाला कोई टिश्यू भी नहीं बन के तैयार हुआ है, तो उससे पहले जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा जहां पे कि ब्लड बन सकता है वो क्या है बेटा जी यहां पे आपका योक सैक है। तो हमने कहा योक सैक के बारे में हेमेटोपोएटिक टिश्यू वेयर ब्लड सेल गेट फॉर्म्ड, हां क्या बनेगी बेटा जी यहां पे ब्लड सेल्स बनेंगे। आप कहते हैं सर इसके अलावा और चीजें क्या क्या होंगी यहां पे, हम अगर और स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसकी बात भी करें आपके साथ, हमने बेटा जी तीसरा नाम बोला था यहां पे एम्नियोन, तीसरा क्या नाम बोला था बेटा जी हमने यहाँ पे एम्नियोन की, पूरा का पूरा बच्चा सराउंडेड होता है किसमें बेटा जी यहाँ पे आपकी एम्नियोटिक कैविटी के अंदर, और उसके दो फंक्शन थे बेटा, पहला वो पूरी बॉडी को क्या रखता है मॉइस्ट रखता है, और स्किन का या बॉडी के बाहर के आउटर लेयर के डाइसेंस को क्या करता है बेटा जी यहाँ पे प्रिवेंट करता है, क्या काम उसके यहाँ पे पूरे बच्चे को कैसा रखेगा यहाँ पे मॉइस्ट रखेगा और प्रिवेंट करेगा किसको यहाँ पे डाइसेंस को, ये पहला फंक्शन है। दूसरा बेटा जी अगर बच्चे पे बाहर से कोई मैकेनिकल फोर्स लगता है तो उस मैकेनिकल शॉक का जो एब्जॉर्बर होगा वो भी कौन होगा बेटा जी यहाँ पे आपका एम्नियोन होगा, ये फंक्शन किसके होगी बेटा जी यहाँ पे एम्नियोन की। इसके बाद चौथा स्ट्रक्चर बनता है उसका एक और नाम होता है बेटा जी यहाँ पे एलेंटॉइस, क्या नाम होता है बेटा जी एलेंटॉइस। तो आपसे पूछा जाए कितने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है तो आपका आंसर होना चाहिए चार स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, नाम क्या क्या है कोरियोन एलेंटॉइस एम्नियोन और योक सैक, तीन का फंक्शन तो आपको समझ में आ गया। चौथा क्या होता है इट इज एक्सक्रेटरी इन द नेचर, ये कैसा नेचर में एक्सक्रेटरी होता है, अगर एक अंडे के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है तो वहां पे एक्सक्रेटरी मटेरियल को स्टोर करने का काम करेगा, बट इन द केस ऑफ वुमन जो एम्ब्रिकल कोड होता है क्या बेटा जी यहाँ पे एम्ब्रिकल कोड होता है वो किससे राइज होगा बेटा जी यहाँ पे एलेंटॉइस से, अब वो क्या होता है अभी हम आपके डायग्राम बनाकर सारी बातें करेंगे। तो हमने कहा ये बेटा जी बनाएगा कई बार क्या होता है हमसे पूछा जाता है वुमन प्लेसेंटा किस टाइप का होता है, तो हम आंसर देते हैं कि वुमन प्लेसेंटा कोरियोनिक टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, पर कई बुक्स ऐसा कह देती है कि वुमन प्लेसेंटा कोरियोनिक टाइप का नहीं होता एलेंटॉइस कोरियोनिक टाइप होता है,
वो भी बात सही बोल रहा है, जरा वर्ड को सोच कर देखते हैं। बाहर का जो प्लेसेंटा बन रहा है वो तो कोलियन से बन रहा है, पर प्लेसेंटा को बच्चे के साथ कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? वो तो एम्ब्रिकल कोड कर रहा है ना। आप ये कह देते हो सर प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, तो मेरे बच्चा लोग समझ के देखो, अगर हमने इस तरह का डायग्राम बनाया है ये भैया जी बाहर के अपना यहाँ पे कोरियोन है और इसमें अगर इस तरह से बिल्लाएं बना के प्लेसेंटा बना भी दिया तो बच्चा तो यहाँ डेवलप हो रहा है भाई। तो कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए हमें सुगम जो इस बच्चे को क्या करे बेटा जी, यहाँ तक जोड़ने का काम करेगी बेटा जी, यहाँ तक तो जोड़ेगा वो क्या बेटा जी, यहाँ पे आपका एम्बिलिकल कॉर्ड है। तो मैं कहूंगा ये तो करेक्टली बात देखा जाए तो दो चीज इन्वॉल्व हो रही है, कौन कौन पैलेटल्स और बेटा जी आपका कोरियोन। बट आपको फिर भी प्लेसेंटा की बात करिए तब कहोगे होमन का कैसा है बेटा जी यहाँ पे कोरियोनिक है। बट अगर किसी ऑप्शन में आप कैसा देख जाए कि कोरियोनिक एलेंकोइस प्लेसेंटा है तो भी वो बात क्या नहीं है बेटा जी, हमारी गलती यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम एम्बिलिकल कॉर्ड को देखते हैं तो वहां पे क्या यूज हुआ हमारा बेटा जी आपका एलेंकोइस का पार्ट भी यूज हुआ है। सही बात है यहाँ पे, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब आपसे पूछा जाए प्लेसेंटा का एक बार स्ट्रक्चर को समझ के देखते हैं कैसा कैसा है, क्या दोनों ह्यूमन के मतलब डेवलपिंग फीटस के और मां का खून आपस में मिक्स हो रहेगा। मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, क्या जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है तो क्या बच्चे का और मां का खून आपस में कॉन्टेक्ट में आ रहा है, क्या दोनों मिक्स हो रहे हैं? असली करिए हाँ, हाँ करिए नहीं, कभी नहीं आते कॉन्टेक्ट में। उनके बीच में 6 बैरियर हो सकते हैं, कितने बैरियर समझ के देखते हैं, मैं डायग्राम बना रहा हूं उसके थ्रू समझना पहले प्ले सकता है। आपने कहा था सर ऐसे इंटरडिजिटेशन हो गया क्रोनिक विल्लाई का और यूट्रिन टिश्यू का, किसका क्रोनिक विल्लाई यूट्रिन टिश्यू का, तो मैं ऐसा बना दूं बेटा जी इसके साथ ही। तो मैं इस साइड में दिखा रहे हैं क्या बेटा जी यहाँ पे कोरियोनिक विल्लाई को ऊपर की बात करते हैं, मैं ये कह रहा हूं ये है बेटा जी यूट्रिन पार्ट, यानी मैं बात कर रहा हूं एंडोमेट्रियम वाले पार्ट की बेटा जी, ठीक है। मैं कह रहा हूं बेटा जी ये जो ब्लैक से मैंने दिखाया ये क्या है बेटा जी कोरियोनिक पार्ट, ये डायग्राम तो मैं सबको पक्का। अब जरा समझो बेटा, आपने कहा था सबसे पहले अगर देखा जाए तो एंडोमेट्रियम की एपिथेलियल टिश्यू था सबसे पहले, क्या था बेटा जी यहाँ पे तो ये अगर कोरियोन है तो आप एक बात समझ के देखो, हमने 11th क्लास में वर्ड बोला था जब भी किसी दूसरे टिश्यू का आउटमोस्ट रीजन देखोगे तो जो दूसरों के ऊपर ग्रो करे वो कौन होता है बेटा जी आपका एपिथेलियल टिश्यू, क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, देखो नाम नहीं क्या है एपी, जो दूसरों के ऊपर ग्रो हो उस टिश्यू को क्या बोलते हैं यहाँ पे एपिथेलियल, तो यानी कि आउटमोस्ट रीजन तो हमेशा किससे बना होता है बेटा जी आपका एपिथेलियल से, हमेशा याद रखना किसी भी स्ट्रक्चर का आउटमोस्ट पार्ट और इनरमोस्ट पार्ट हमेशा किससे बना होता है बेटा जी आपका एपिथेलियल से होता है, मतलब ना दिमाग में तो भी याद रखो भाई एपी का मतलब है अपॉन, जो किसी चीज के बाहर और अंदर दोनों हिस्सों का जो आउटमोस्ट कवरिंग होगा वो किससे बना होगा बेटा जी आपके एपिथेलियल टिश्यूज बना होगा, ये बात याद रहेगी। तो मैं कहूंगा वैसे ही अगर यहां भी देखा जाए तब ये कह सकते हैं ये है सबसे पहला बैरियर, क्या बोला मैंने बेटा जी यहां पे एपिथेलियल टिश्यू, हाँ या ना बेटा जी, एपिथेलियल टिश्यू सर होता है यहां पे एवास्कुलर, इसके पास कभी ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, और अगर इसके पास ब्लड की सप्लाई नहीं है तो मतलब इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी जिसके अंदर क्या होगा ब्लड की वेसल्स वगैरह होगी, तो हम ये कहते हैं बेटा जी इसके नीचे ऐसे एक दूसरी लेयर होती है आकृति गुड़िया, इसके नीचे एक और लेयर है शुभम, इसके नीचे इस तरह से एक लेयर है टिश्यू की, हम कहते हैं बेटा जी ये जो लेयर है ये दूसरा बैरियर बन गया और ये क्या है बेटा जी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है मेरे बेटा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है। आपने कहा सर अगर अब आप कहते हो कि ब्लड वेसल जा रही है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो ये ब्लड की वेसल जा रही है ये ब्लड की वेसल भी कैपिलरी होगी, और अगर ये कैपिलरी होगी तो मैं कहूंगा इसके अंदर ब्लड होगा, तो भैया जी तीसरा जो बैरियर यहाँ पे आ गया वो आ गया बेटा जी एंडोथेलियल।
एंडोथीलियल, क्या नाम आ गया, एंडोथीलियल, इसके अंदर बैठा होगा बेटा जी आपका ब्लड। एग्री करते हो? यानी कि मैं कोरियोनिक पार्ट को देखो तो उसमें तीन बैरियर है अंशु बेटा, क्या क्या नाम है यहाँ पे, आउटरमोस्ट बैरियर कौन है यहाँ पे, एपिथीलियल, फिर कौन है यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू, फिर कौन है बेटा जी यहाँ पे, एंडोथीलियल। यही बात एक बार आप बच्चे की माँ की साइड से सोच के देखो बेटा जी यहाँ पे, इसलिए ये प्लेसेंटा अगर इसको यूट्रिन पार्ट भी अगर इन्वॉल्व होगा तो आउटरमोस्ट रीजन तो किसका है यहाँ पे, एंडोमेट्रियम का, और एंडोमेट्रियम मैंने आपको क्या बताया, कॉलोनर एपिथीलियल, कैसा है बेटा जी यहाँ पे, कॉलोनर एपिथीलियल। तो इसका मतलब ये आपको जो सबसे बाहर ऐसा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बेटा जी आपको यहाँ पे, इट इज द एपिथीलियल पार्ट, ये कौन सा पार्ट है यहाँ पे, एपिथीलियल पार्ट। इसके नीचे अगर आपको दिखाई देगा तो आपको सर वही सेम बात है, यहाँ पे भी एपी के नीचे क्या होगा, यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू आया ना बेटा जी। वही सेम बात को समझो, यहाँ पे अगर ब्लड की वेसल्स आ रही है बेटा जी, तो उनकी भी बेटा जी यहाँ पे सिवम, इस तरह से ब्लड वेसल्स अगर है तो आपको तीसरा चीज यहाँ पे क्या दिखाई देगी मेरे बच्चा, यहाँ पे आपको एंडोथीलियल दिखाई देगा, आया ना बेटा जी। तो आप बताओ कितने बैरियर है, छह बैरियर है, माँ और बच्चे का खून कभी नहीं मिल सकता बेटा जी यहाँ पे, छह बैरियर होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब में छह बैरियर होते हैं। अब यहाँ पे जो नाम आता है प्लेसेंटा का, उसमें आपको नंबर ऑफ बैरियर दिखाई देगा, आपको ध्यान ये रखना है ह्यूमन का प्लेसेंटा कैसा है। मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा प्लेसेंटा का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे टॉपिक का नाम है यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हमें ह्यूमन के बारे में हर एक बात को जानना है कि भाई हमारा प्लेसेंटा कैसा है। जैसे मैंने कह दिया हमारा प्लेसेंटा कैसा है बेटा जी, कोरियोनिक है, हमने इस बात को समझना है कि हमारा प्लेसेंटा कैसा है यहाँ पे, कोरियोन वाले पार्ट से बना है, पहली बात सही है। अब उस कोरियोन के अंदर कितने बेटा जी बैरियर्स बन के तैयार हुए, हमें उस बात को समझना पड़ेगा, पर मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ प्लेसेंटा बैरियर के नेम के, यहाँ पे कितने नाम होते हैं यहाँ पे लिखे जरा बातों के, यहाँ पे सबसे पहला नाम देखो मैंने नाम क्या लिखा, एपिथीलियल कोरियन प्लेसेंटा। नाम के दो टुकड़े करने हैं, आगे वाला जो पार्ट है ये है मदर का पार्ट, और पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या है, बच्चे का पार्ट। मैंने कहा यहां पे बच्चा एपिथीलियल कोरियन प्लेसेंटा, मतलब कोरियन भैया जी किसके टच में, किसके कांटेक्ट में, यहाँ पे एपिथीलियल के कांटेक्ट में है, तो कितने बैरियर होंगे, छह के छह बैरियर है, कितने बैरियर है बेटा, आपने कहा सर इस केस में सिक्स बैरियर एज इट इज मेंटेन, पक्का ये बात समझ में आई। मैंने लिख दिया दूसरा नाम, नाम लिखा मैंने सिंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा, सिंडेस्मो यहां इंडिकेट कर रहा है बेटा जी आपका यहां पे कनेक्टिव टिश्यू को, इसको बेटा कनेक्टिव टिश्यू को, इसका मतलब क्या अंशु बेटा, उसमें सर एपिथीलियल को क्रॉस कर दे, वो कहां तक क्रॉस किया पूरा कनेक्टिव, तो मतलब उसने एक बैरियर क्या कर दिया बेटा जी, क्रॉस कर दिया। इस केस में सुबह बेटा कितने बैरियर बच गए उसके, यहां पे पांच बच गए, आया ना बेटा जी। आपने कहा सर तीसरा, तो हमने कहा तीसरा होता है एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा, मतलब क्या है सर, उसने यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू को भी क्रॉस कर दिया, वो कहां तक पहुंच गया, अप टू द एंडोथीलियल, तो कितने बैरियर बचे, आपने कहा सर इस केस में कितने बैरियर हैं, चार बैरियर, ठीक बात है। अब आता है अगला नाम बेटा, हेमोकोरियल प्लेसेंटा। हेमोकोरियल का क्या मतलब होता है, ब्लड, क्या मतलब होता है ब्लड, और कोरियल बोले तो कोरियल मतलब कोरियोनिक प्लेसेंटा फ्लोटिंग विद इन द ब्लड, वो ब्लड में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, कितने बैरियर, आपने कहा तीन बैरियर, कितने बैरियर है, ये है हमारा प्लेसेंटा। तो ह्यूमन का प्लेसेंटा कैसा है, ये आपको एग्जांपल याद रखना है, ह्यूमन प्लेसेंटा इज हेमोकोरियल प्लेसेंटा या हीमोकोरियल प्लेसेंटा, हीमो वर्ड का क्या मतलब बेटा जी, यहाँ पे
ब्लड है कि हमारे केस में कोरियोनिक विल्ला या फ्लोटिंग विद इन द मैटरनल ब्लड, वो मां के ब्लड में फ्लोट कर रही है, उसमें तैरने लगा है, ऐसा प्लेसेंटा है, बट स्टिल वी हैव द थ्री बैरियर, स्टिल वी हैव द थ्री बैरियर। उन बैरियर्स का नाम सुनने में आता है कितने बैरियर हो सकते हैं, तो हमारे केस में भी कितने बैरियर है, तीन बैरियर। तो याद रखना मदर का फीटस का ब्लड कभी भी कॉन्टेक्ट में नहीं आता, उनके बीच में हमेशा क्या रहते हैं, बेटा जी बैरियर रह सकते हैं। मैक्सिमम बैरियर कितने हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं। और वुमन के केस में जो टाइप ऑफ द प्लेसेंटा है उसका नाम क्या है बेटा जी, आपका हिमोकोरियल। आप कहोगे सर मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मैं आपको एक नाम और लिखवा देता हूं बेटा जी यहाँ पे प्लेसेंटा का, तो वो भी देखना पांच टाइप के होते हैं, हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा। हीमो वर्ड बोल देता मतलब ब्लड मां के साइड से ब्लड है और बच्चे के साइड से क्या है एंडोथेलियल, मतलब वहां भी एक तो है ना। तो आपने कहा सर यहां भी हमने देखा एक बैरियर तो यहां भी है। कुल मिला के आपके जो भी पांच टाइप के मैंने प्लेसेंटा के नाम लिखे वो किस भी आपके नाम लिखे बेटा जो द पैसेज ऑफ द नंबर ऑफ द बैरियर बिटवीन द मदर एंड द फीटस ब्लड, तो मिनिमम कितना बैरियर होगा वन और मैक्सिमम कितना हो सकता है सिक्स, हमारे केस में कितने बेटा जी थ्री बैरियर है। हमारा प्लेसेंटा का नाम क्या है यहाँ पे हीमोकोरियल। सो मुझे बताओ ये बात समझ में आई नहीं, सिंपल से नाम देखो याद करने का तरीका क्या है, अगला जो पार्ट है नाम का वो है माँ का नाम, माँ के टिश्यू का नाम यूट्रिन पार्ट को समझ में है, और पीछे वाला जो नाम है वो हमारा कोरियोनिक प्लेसेंटा का, हमारा पीछे वाला नाम हमारा है बेटा जी कोरियल, कोरियल कोरियल वर्ड लिखा है, मतलब हर जगह यहाँ पे हमारा कोरियोनिक तीनों बैरियर एज इट इज मेंटेन है। अब वो किसके कॉन्टेक्ट में है, एपिथेलियल के में है, कनेक्टिव टिश्यू के में है, ब्लड वेसल के में है, या फिर वो ब्लड में ही फ्लोट कर रहे हैं, इसके व्याप में हमारा हो गए यहाँ पे टाइप ऑफ द प्लेसेंटा, हमारा कैसे यहाँ पे हीमोकोरियल। बताओ ये बात समझ आने के लिए पक्का, चलिए हाँ बिल्कुल लिखो भाई सब इतने चीजें तो नहीं भाई सब। ये ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बताओ थम्स अप का निशान देके मुझे, चलो मैं हटाए देता हूँ माइक को एक बार, जल्दी से मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइक हटाया हुआ मैंने, जल्दी से बोलो बेटा। यस सर, यस सर, ओके ओके। जल्दी से पैसे लिख लीजिएगा।